पापा के कोटे से कांग्रेस में जमकर सत्ता सुख भोगने वाले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर बहुत चर्चा हो रही है। वो अब ऐलानिया तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ गेम यानी मुनाफे की राजनीति करेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद बहुत सारी बातें लिखी, आप जानते भी होंगे, लेकिन अंदर की खबर ये है कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, उन्हें एक तरह से बेइज्जत करके पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया है। वो भी बहुत ठोस तरीके से पार्टी से जुड़े हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भाग दो से पहले ही राहुल गांधी ने संदेश दे दिया था कि या तो आप उद्योगपतियों की दलाली करना छोड़कर जनता के बीच जाइए और नहीं तो अपना रास्ता देख लीजिए। लेकिन अखबारों में क्या छपा, टीवी चैनलों पर क्या खबर चली, न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को झटका, भारत जोड़ने में टूटने लगी कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस में मचने वाली है भगदड़, वगैरह वगैरह। और अंग्रेजी का एक अखबार तो दलाली में यहाँ तक चला गया कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बाद दक्षिण मुंबई से कोई चुनाव लड़ने वाला बचा ही नहीं, वो अंतिम व्यक्ति थे। दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तो समझ लीजिए कि किस तरह नेशनल मीडिया जो है वो नैरेटिव तैयार करता है। अब आइए अंदर की कहानी पर। अंदर की कहानी ये है कि मिलिंद देवड़ा को नए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परफॉर्म करने को कहा था। राहुल गांधी भी उनसे बुरी तरह खफा थे। लगातार दो बार दक्षिण मुंबई से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने देवड़ा को संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया था। कोषाध्यक्ष बनने के बाद देवड़ा ने लिखा था कि अपनी क्षमताओं को पार्टी में सम्मान दिए जाने का मैं आभारी हूँ, लेकिन कोषाध्यक्ष के तौर पर वह पार्टी से ज्यादा उद्योगपतियों के लिए काम करने लगे। दूसरी वाली पार्टी देवड़ा की पहचान मुकेश अंबानी के आदमी के तौर पर हो रही थी। ऐसे में जब राहुल गांधी ने बार बार अंबानी अडानी पर हमला बोलना शुरू किया, उन्हें क्रोनी कैपिटलिस्ट बताने लगे, तो देवड़ा असहज होने लगे, अपने आप को पार्टी लाइन से अलग करने लगे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी को ये बात ठीक नहीं लगी, फिर भी वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिर कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ 27 साल की उम्र में सांसद बनाया था। वो बीजेपी प्रत्याशी जयवंती बहन मेहता से जैसे तैसे सिर्फ 10,000 वोटों से जीते थे। सोच लीजिए, मनमोहन सिंह ने उन्हें अपना मंत्री बनाया, पार्टी ने मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और उनकी अध्यक्षता में मुंबई में कांग्रेस की लुटिया डूबती चली गई। कृपा शंकर सिंह और संजय निरुपम जैसे नेता भी खफा होते चले गए, कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते जुलते थे, पार्टी ऑफिस में भी उनका आना जाना ना के बराबर था। लेकिन बताते हैं कि इसके बावजूद भी वो 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ना चाहते थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने दक्षिण मुंबई सीट का वादा करने से साफ मना कर दिया। वो वादा चाहते थे, इतना ही नहीं, उन्हें पार्टी के स्थानीय नेताओं से बेहतर तालमेल बनाकर चलने का निर्देश भी दे दिया। इसके बाद मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी से वक्त मांगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनदेखी नहीं कर सकेंगे और बेहतर होगा कि उनके निर्देशों पर ही काम करें। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में मराठी, गुजराती, मारवाड़ी और जैन समुदाय के मतदाताओं की बड़ी संख्या सबसे ज्यादा मराठी है। ऐसे में कांग्रेस ये सीट शिवसेना यूबीटी के लिए छोड़ सकती। वैसे भी शिवसेना के अरविंद सावंत ने मिलिंद देवड़ा को हराया था। सोच लीजिए, ये है पॉलिटिक्स। इससे मिलिंद देवड़ा के सामने स्थिति साफ हो गई कि 2024 के चुनाव में उनके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है या हो गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने मिलिंद देवड़ा को समझा दिया था कि कार्यकर्ताओं और जनता की कीमत पर पार्टी को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। इसके बाद से ही वो विकल्पों की खोज करने लगे थे। बीजेपी में मिलिंद देवड़ा का निर्वाह मुश्किल था, क्योंकि दक्षिण मुंबई सीट में इस बार बीजेपी अपनी दावेदारी पेश करना चाहती थी। बताएंगे आगे कौन है उनका चेहरा। हो सकता है सावन 2019 तक मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है सावंत के आगे मिलिंद देवड़ा को टिकट भी नहीं मिल सकता था, बीजेपी भी नहीं देना चाहती। बावजूद इसके मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस के बाद पहली पसंद बीजेपी ही थी। उन्होंने बीजेपी में बहुत जोर भी लगाया था, लेकिन बताते हैं कि बीजेपी ने दो टूक कह दिया था कि आना है तो आओ, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं दे पाएंगे। टिकट देना तो दूर, हम इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं दावेदार। इसके साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे पर डोरे डालने शुरू किए। शिंदे को भी मिलिंद देवड़ा की तरह एक रिफाइंड आदमी की सख्त जरूरत थी।
जो चुनाव के लिए खर्चे का बंदोबस्त कर सके, जिससे बड़े उद्योगपतियों से सीधे ताल्लुकात हों और जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी ना हो। देखिए, शिंदे ने सीएम पर हत्या कर महाराष्ट्र की राजनीति में तो ताकत रसूख हासिल कर ही लिया, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है और ये बात उनको फटती है। बीजेपी इसका जब जब फायदा उठाती भी रहती है। वो लंबे समय से एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल की तरह का कोई नेता ढूंढ रहे थे, जिसके पास राजनीति के ऊंचे घरानों के साथ घुलने में मिलने बैठने उठने वाला, अपनी बात पहुंचाने और काम निकलवाने का तजुर्बा हो। पटेल की तरह ही मिलिंद देवड़ा भी लुटियन दिल्ली के राजनीतिक व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हैं। 10 साल तक सांसद और 4 साल केंद्र में मंत्री रहे। नतीजा, मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की खोज में बिल्कुल फिट बैठ के चले गए। लेकिन लोकसभा के लिए तो शिंदे भी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ तालमेल हुआ तो मुंबई दक्षिण की सीट पर भाजपा राहुल नावेकर को लड़ाना चाहती है। राहुल नावेकर अभी विधानसभा के अध्यक्ष और हैं और बहुत कुशलता से बागी विधायकों की अयोग्यता वाला मामला उन्होंने सुलझाया है। गठबंधन के लिए शिवसेना के एक बड़े सूत्र के मुताबिक शिंदे ने इस पर उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया। कुछ ही दिनों में शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई का कार्यकाल पूरा होने वाला है। शिंदे उस सीट पर मिलिंद देवड़ा को फिट करना चाहते हैं। बीजेपी को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा दरअसल मोदी को बहुत पसंद करने लगे हैं। देखेंगे कि मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना ज्वाइन करने के बाद जो कहा वह साफ दिखता है कि कितने मजबूर हैं, और उन्होंने कांग्रेस ना छोड़ी होती तो राजनीतिक तौर पर कभी खत्म हो जाती। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भावुक दिन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस छोड़ दूंगा। आज मैं शिवसेना में शामिल हो गया, मुझे सुबह से बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता क्यों तोड़ा। मैं सबसे चुनौतीपूर्ण दशक के दौरान पार्टी के प्रति वफादार रहा। यदि कांग्रेस और यूबीटी ने रचनात्मक सकारात्मक सुझावों और योग्यता क्षमता को महत्व दिया होता तो आज एकनाथ शिंदे और मैं यहाँ नहीं होते। एकनाथ शिंदे को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे भी एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए देवड़ा ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेम, और गेम को वो क्या लिखते हैं, ग्रोथ, इंस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी, नेशनलिज्म में विश्वास करता हूँ। मैं पेन यानी पर्सनल अटैक, इनजस्टिस और नेगेटिविटी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। सच ये है कि मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस छोड़नी ही इसलिए पड़ी कि पार्टी को वो सीईओ की तरह चलाना चाहते थे। मुंबई में वो कार्यकर्ताओं को कर्मचारी समझते थे और जन विश्वास को मार्केटिंग से अर्जित करना चाहते थे। और इससे बड़ा सच ये है कि अगर देवड़ा ने कांग्रेस समय रहते खुद ना छोड़ी होती तो निकाल दिए गए होते। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।